हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सब पर बातें कर ली हैं, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी तो सबको पता है क्या होता है। हमने बोला ओमेगा होता है भाई, रेट एट विच एंगल चेंजेस, उसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा, दैट इज डी थीटा बाय डी टी से हम इसको डिनोट भी करते थे। कोई घबराने की बात नहीं है। अब रिलेटिव में इसको खेलना है। हमने बोला रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे खेले थे ना, बिल्कुल सेम तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी में खेलेंगे। देखो कैसे, मैंने बोला ये पार्टिकल ए है, ठीक, ये पार्टिकल क्या है, बी है, ठीक। अब ए वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ए की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड है, और बी की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, इस क्षण की बात हो रही है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ठीक है। तो ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कोई आपसे पूछेगा तो कैसे लिखोगे। मैंने बोला क्या पूछा है, मैंने किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक। तो मैंने बोला ए को क्या बना लोगे आप, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बनाने के बाद क्या होता है कि ए किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। इसके मतलब इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाने का काम करना है हमें। तो हमने बोला ए पे हम चढ़ के बैठ गए, जैसे ही हम ए पे बैठे तो ए क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी बी पे चिपका देगा उल्टी तरफ। तो मैंने बोला 4 मीटर पर सेकेंड तो उसके पास थी ही, मैंने बोला इसने क्या किया, 2 मीटर पर सेकेंड उल्टे में बी के ऊपर चिपका दिया, ठीक। मैंने बोला यहां पे आ गया ये ए। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मैंने बोला जो इसको घुमाने में मदद करे, जो इसको घुमाने में मदद करे। मैंने बोला क्या इन दोनों वेलोसिटी से, अगर आप देख के बताओ, मैंने बोला क्या ये बी को घुमा सकता है, मैंने बोला नहीं। मैंने बोला घुमाने के लिए तो कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर में यदि आ जाती, इस ए बी लाइन को घूमने का है, कैसे घूमेगी। मैंने बोला जब परपेंडिकुलर में वेलोसिटी होगी तभी ये एवी लाइन घूम सकता है। मैंने बोला ये वाली जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाली, मैंने बोला इससे तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, मैंने बोला घूम नहीं पाएगा। ओमेगा को क्या करना है, घुमाना है। तो मैंने बोला ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैंने बोला कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि क्या लिखते होंगे हम, बेसिकली वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। क्या होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और r हमारा क्या होता होगा, हमारा यहां पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ये हम लेते होंगे, ठीक, और उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी रहती होगी। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा और अगर एक क्वेश्चन देख लें तो जरा मजा ही आ जाए, समझ में आ जाए। हमने बोला हाँ देख लो। तो हमने बोला ये a है, ये b पॉइंट है। मैंने बोला b के पास वेलोसिटी कैसे कैसे, मैंने बोला 2 मीटर पर सेकेंड एक ये है, मैंने बोला एक परपेंडिकुलर में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर की, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जैसे ये लिखने के लिए आएगा किस पे चढ़ के बैठ जाओगे, हमने बोला ए पे चढ़ के बैठ जाएंगे। ए के पास अगर कुछ वेलोसिटी होती तो चिपकाते, अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कैसे घूमेगा, मैंने बोला बी पे देखो, बी पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है, तो v परपेंडिकुलर अपॉन r चाहिए, तो v परपेंडिकुलर कितना है 4, और r क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितनी 2, तो कितना आ जाएगा ये 2 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन और बता दें हम, मैंने बोला a है, इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, b है नीचे की तरफ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कोई आप दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, कोई आपसे क्या बोलेगा, आप बोलेगा ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बताओ इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले ए पे को रेस्ट पे ले आओगे, ए पे चढ़ के बैठ जाओगे, पे चढ़ के बैठे, इसकी वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में बी की तरफ चिपका दी, ठीक। तो परपेंडिकुलर में नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, आप लिखोगे 4 प्लस ऑफ 2, ठीक, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितनी आ गई है ये, 3 रेडियंस पर सेकेंड। तो
इस तरीके से हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर। ठीक, ए किससे घूम रहा है, मैंने बोला ओमेगा से घूम रहा है, और बी किससे घूम रहा है, मैंने बोला टू ओमेगा से घूम रहा है। ऐसे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स पे ए और बी घूम रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हेन ओ ए एंड बी आर ऑन द सेम लाइन। बात है क्या यहाँ पे, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने बोला बी घूमकर, तो मैंने बोला पहला केस लेते हैं, दूसरा केस तो हटा दो, पहला फर्स्ट केस हम की बात करते हैं, इसको हटाओ अभी। ठीक, तो मैंने बोला अभी इनिशियली जब ये एक लाइन में है तो हमें कैसे दिखाई देंगे ए और बी, तो मैंने बोला ये ए है और ये बी है। मैंने बोला ए के पास वेलोसिटी लिखो, मैंने बोला किस डायरेक्शन में होगी, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन, कितनी, आपने बोला ओमेगा और ये आर, तो कितनी हो जाएगी r इंटू ओमेगा। मैंने बोला b की वेलोसिटी लिखो, मैंने बोला ओमेगा ऊपर और r कितना है इसका 2r, तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू r, दैट इज 2 ओमेगा इंटू 2r, तो 4r ओमेगा हो जाएगा। ठीक, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हमें देखनी होती है, हमने बोला वही देखेंगे। तो ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू, अगर b लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैंने बोला a की वेलोसिटी उल्टी करके b में चिपकाओ r ओमेगा। ए और बी की दूरी इस समय कितनी है, मैंने बोला ये 2r ये r, कितनी हो जाएगी ये r हो जाएगी, तो मैंने बोला दोनों के बीच की दूरी r, तो हमें क्या करना है v परपेंडिकुलर अपॉन r चाहिए। v परपेंडिकुलर कितना है ऊपर के डायरेक्शन में, कितना 3r ओमेगा, दोनों के बीच की दूरी r, कितना आ गया ये 3 ओमेगा के बराबर आ गया, क्या ये आ गया, कोई घबराने की बात नहीं। अब केस टू की बात करेंगे हम, और क्या हो सकता है, हमने बोला क्या होगा, अरे भाई साफ सर के लिए चला गया हमारा। ठीक है, ए हटा दो। अभी क्या होगा, मैंने बोला ए जब घूमकर इस पॉइंट पे ऐसे आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो मैंने बोला बी उतने में, टाइम टी बराबर जीरो की बात नहीं हो रही है अभी, तो उस क्षण में बी कितना घूमेगा, मैंने बोला बी घूम के ये पूरा कंप्लीट करके यहां तक आ जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात है क्या इसमें, और कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैंने बोला अब क्या होगा, ए कुछ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, मैंने बोला बी ऊपर की तरफ दिखाई देगा, मैंने बोला ओ बीच में है, तो मैंने बोला अभी भी ये तीनों एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो मैंने बोला इस क्षण पे कैसे दिखाई देंगे, मैंने बोला ए नीचे की तरफ, वी कितना हो जाएगा आर ओमेगा, बी ऊपर की तरफ कितने से 4r ओमेगा से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, 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 कितनी हो जाएगी आपकी दूरी 3R के बराबर। तो ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A अगर लिखोगे, तो मैंने बोला A की वेलोसिटी उल्टी करके B में चिपका दो, कितनी हो गई B की वेलोसिटी, V परपेंडिकुलर अपॉन R लिखना है, तो V परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4R ओमेगा, दोनों के बीच की दूरी 3R, कितना आ गया ये 5 ओमेगा बाय 3 आ गया इन रेडियंस पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से एक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के आएंगे सवाल जो कि आपको करने होंगे। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं जरा, इसमें
मैंने बोला ऐसे ये है, ठीक। मैंने बोला इस पॉइंट पे क्या है, बी है। कितने से चल रहा है? आप बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, कोई घबराने की बात और नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे है आपका ए, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर, ठीक। ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये है 4 मीटर, ठीक। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे आप, ठीक। तो हमने बोला सबसे पहले ए और बी के बीच की बातें हो रही हैं, तो मैंने बोला ए और बीच को मिलाया जाए, ए और बी को मिलाया जाए, तो मैंने बोला ये वाली लाइन बनेगी, ठीक। मैंने बोला जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, तो मैंने बोला लाइन क्या है ए बी, तो मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट से हमें ओमेगा के बारे में बातचीत कर पाएंगे। हमने बोला ए की वेलोसिटी के, ए के पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैंने बोला बी की वेलोसिटी जो आएगी उसी से काम चल रहा होगा। मैंने बोला क्योंकि ए की वेलोसिटी उल्टी करके जुड़ेगी भी तो जीरो जुड़ेगी, ठीक। सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि हमें लिखना है वी परपेंडिकुलर अपॉन में आर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आर, आर हमारा क्या है यहाँ पे, हमने बोला ये है। अगर ये 4 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है 5 मीटर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक। मैंने बोला ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। मैंने बोला बी आगे चल रहा होगा, तो मैंने बोला ये जो 4 मीटर है ये तो लगातार बदल रहा होगा, तो मैंने बोला इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। यहां से क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, 10 थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ओमेगा निकालना है तो कुछ बातें तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक। 10 थीटा को उन्होंने लिखा एक्स अपॉन 3, 10 थीटा को जरा डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो आप लिखोगे sec square theta d theta by dt is equals to किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन dt, ठीक है, इंटू में क्या जाएगा 1/3, ठीक। यहां से क्या आया आपका, ये आया आपका sec square theta d theta by dt क्या होता है ओमेगा के बराबर होता है, और dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, अपॉन में 1/3। तो ओमेगा क्या आएगा आपका, यहां से क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी इंटू में 1/3 अपॉन में 1/sec² θ, ठीक। ये मैं आपको गरीबों वाले मेथड से अभी मैंने बताया, अभी मैंने वी परपेंडिकुलर वाले चीज का उपयोग किया ही नहीं है। हमने बोला अगर निकालना होगा तो इस तरीके से निकल कर आता होगा, ठीक। दो तरीके से मैं बताने वाली हूँ उस क्वेश्चन को। तो ओमेगा अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वी कितना है बी का, आप लिखोगे 5, ये कितना है 1/3 इंटू sec square theta, theta क्या है यहाँ पे हो जाएगा 53 degrees, तो आप क्या लिखोगे 1/sec² 53 degrees, इसको पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला मेथड, ठीक। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, जो मेथड हम पढ़ रहे थे ये वी परपेंडिकुलर वाला मेथड, ये वी परपेंडिकुलर वाला मेथड। हमने बोला हमें लिखना है ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम इससे लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर अपॉन में r। v परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यही वाला एंगल है, ठीक। कोई घबराने की बात है इसमें, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैंने बोला ये 5 के दो कंपोनेंट होते होंगे, मैंने बोला इस 5 मीटर पर सेकंड के, मैंने बोला एक कंपोनेंट कुछ यूं होता होगा और एक कंपोनेंट कुछ यूं होता होगा। मैंने बोला थीटा 90 माइनस थीटा, तो मैंने बोला ये भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका, 5 cos θ, और ये वाला क्या आ जाएगा, 5 sin θ, थीटा 53 डिग्रीज आपको पता है। तो v परपेंडिकुलर में क्या लिखोगे, v cos थीटा, दैट इज 5 cos θ अपॉन में r, r कितना है इसका 5, तो डायरेक्टली इससे भी आपका निकल सकता है। ये मेथड गरीबों वाला है, इससे नहीं करना है, हमें जाना है बेसिक वाले मेथड से, जिस मेथड से हमने सीखा है कि हम v परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को घुमाने के लिए हम वेलोसिटी देखेंगे, उस वेलोसिटी से हम बात करेंगे ओमेगा की, रिलेटिव ओमेगा की। तो कौन सा वेलोसिटी है यहाँ पे, मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड जो बी चल रहा था, मैंने बोला ये वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट से तो घूमेगा नहीं, मैंने बोला इस वाले कंपोनेंट से घूमेगा, तो मैंने बोला वी परपेंडिकुलर में रखो अपॉन में आर, ठीक। बात समझ में आ रही है, आप लाइन को नहीं तोड़ते हैं, आपका करते हैं वेलोसिटी को तोड़ते हैं।
बात समझ में आती है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आज हमने पढ़ी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, ये ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन होएंगे, वरना क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए।